फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी है भरवा करेले। इन्हें बस ऊपर से छीलना ही है हमें, और बीच में से कट लगा के सबके बीज निकाल लेने हैं। अगर इसका करेले का छीला हुआ हिस्सा आज हम यूज नहीं करने जा रहे, बट इसका छिला हुआ छिलका भी यूज किया जा सकता है। जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो छिलके की सब्जी भी बना सकते हैं, ये उनके लिए काफी फायदेमंद है। बट आज मैं सिर्फ भरमा करेले बनाने जा रहा हूँ, सो सिंपली मैं सबको छील लूंगा, बीज निकाल लूंगा और फिर मसाला फिल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करेले मैंने छील लिए हैं और उनके बीज निकाल लिए हैं। अब मैं कढ़ाई में गरम पानी में इन्हें 10 से 12 मिनट उबालूंगा और एक चम्मच नमक का डाल दीजिए साथ में। इसका मेन रीज़न है कि करेले की तासीर गर्म होती है, सो उसे ख़त्म करने के लिए 10 से 12 मिनट पानी में उबालना है बस, और 12 मिनट के बाद आप मैक्सिमम गैस बंद कर दीजिए। सो इन्हें मैं उबलने देता हूँ अभी। सो 12 मिनट हो चुके हैं, अब मैं गैस बंद कर रहा हूँ और करेलों को निकाल लूँगा। और जब तक ये हल्के ठंडे होते हैं तब तक मैं इनकी फिलिंग तैयार कर लेता हूँ। करेले की फिलिंग के लिए अब मैं मसाला तैयार कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो करेले के बीज छील लिए थे मैंने उन्हें ग्राइंड करना है। ग्राइंड हमें प्याज, टमाटर और इन करेले के बीज को करना है, बट इन तीनों को इकट्ठा ग्राइंड नहीं करना, सिंगल सिंगल हमें ग्राइंड करना है। और ज़्यादा इनका पेस्ट नहीं बनाना, सिर्फ दरदरा ही इसे पीसना है। लगभग ऐसे बस, और इसे निकाल लीजिए। और ऐसे ही प्याज को और टमाटर को जो मसाला मैंने बनाया था अब उसे हम भून लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन में मस्टर्ड ऑयल लिया है 2 चम्मच, और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रहा हूँ। जीरा, धनिया, थोड़ी सी हींग 1/2 चम्मच, ये प्याज का पेस्ट, थोड़ा सा दरदरदा ही रखा हुआ, प्याज भुन गया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रहा हूँ। मामा, जो आग से खोदी है, वो
प्याज टमाटर भुन गए हैं, अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहा हूँ। ग्रीन चिली ऐड करी है, गरम मसाला आधा चम्मच, देगी मिर्च आधा चम्मच, सॉल्ट टू टेस्ट, आमचूर पाउडर और आधा चम्मच हल्दी। एक बड़ा चम्मच पानी का जस्ट, मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। फाइनली मैं करेले के बीज जो मैंने दरदरे ग्राइंड करे थे अब वो ऐड कर रहा हूँ। इसे अच्छी तरह 2 से 3 मिनट भून लीजिए और उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और फिलिंग को ठंडा होने दीजिए। फिलिंग ठंडा होने के बाद हम इसे करेलों में भरेंगे। तो करेले मेरे ठंडे हो चुके हैं, इसे 2 मिनट कुक करके मैं गैस बंद कर दूंगा और हल्का ठंडा होने के बाद ये फिलिंग में आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। मैं धनिया ऐड कर रहा हूँ साथ में। तो जस्ट कुक इट फॉर अनदर 2 मिनट एंड गैस बंद कर दीजिए। करेलों की अब मैं फिलिंग करूँगा। मसाला ठंडा हो चुका है, सो अब मैं इनकी बाइंडिंग करूँगा। बाइंडिंग आपने देखा होगा जनरली कई धागे के साथ करते हैं, बट मैं इसके लिए बेसन लिया है। बेसन में जस्ट पानी ऐड करके उसका पेस्ट सा बना लिया और इससे मैं इन्हें बाइंड कर लूँगा। अब मैं इन्हें फ्राई करने जा रहा हूँ। मस्टर्ड ऑयल लिया मैंने आधी कटोरी और सरसों का तेल गर्म हो गया है। अब मैं करेले मीडियम आंच पे इन्हें शैलो फ्राई करते हैं।
करेले ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लीजिए और गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करिए।